देखिए ये दूसरे दिन का है और हम दूसरे दिन पहले गए हम एक रानी झील है यहाँ पे, रानी खेत में रानी झील के नाम से है और छोटा सा एक मंदिर भी है। वो तो मुझे ध्यान नहीं है कौन सा, क्योंकि कौन सा मंदिर है, बट ये रानी झील है। रानी झील में हमने सोचा चलो यहाँ तो बोटिंग वोटिंग भी होती है और बाकी मछलियों को ना कुछ खाना वाना मतलब देते हैं, वो भी वो खिल होते हैं ना, खिल टाइप के मुरमुरे, सॉरी नॉट खिल, मुरमुरे। तो हम लोग यहाँ गए थे कि झील भी देखो कैसी झील है। हमने सोचा था कि बहुत अच्छी होगी बट पानी भी बहुत गंदा हो रहा था। बोटिंग वोटिंग कर रखे, बोट वोट रखे हुए हैं, लोग जा रहे हैं बोटिंग कर रहे हैं। ज़्यादा भीड़ नहीं थी ठंड की वजह से, लेकिन हमने सोचा चलो यहाँ पे मैं उससे बात भी कर रही थी कि भैया ये मछलियों का दाना कितने का है, तो बता रहा था 20 रुपये का एक है, 50 रुपये का तीन है। तो मैंने कहा चलो मछली के दाना ही डालते हैं, बट डाल रहे थे हम, मैंने थोड़ा पहले पास पास डालते थे, मछलियाँ दिख नहीं रही थी, तो बाद में हमने दूर मैंने दूर दूर डाला है जैसे वो डाल रहा था साथ वाला ना। तो मछलियाँ देखिए अब दिखेंगी बहुत कम कम, ये देखिए आने शुरू हो गई, रेड रेड कलर की छोटी मछली है। तो साथ में जो था वो बता रहा था इससे पहले मैंने आया था तो मछलियाँ बहुत आ रही थी, बहुत आ रही थी, बट इस बार अभी इसमें अभी जब हम मैं दोबारा आया हूँ सेकेंड टाइम तो ये मछलियाँ कम आ रही है, क्योंकि ठंड की वजह से आ रही है कि क्या है, देखिए कितनी सारी आ रही हैं, आ रही है ना। बस ये जो मुरमुरे है ना ये डाल लो, 20 रुपये का पैकेट था तो हमने सोचा चलो डाल ही लेती हूँ मैं, जितना आ रही है। देखिए मछलियाँ दिखनी शुरू हो गई है रेड रेड कलर की। बाकी तो रानी झील में ऐसा सच कुछ देखने लायक नहीं है, बस ये बोटिंग करो या फिर इनको मछलियों को मुरमुरे डालो, कहते हैं मछलियों का खाना है। ये देखिए मेरे पास पास भी मतलब उसके बाद तो आने ही शुरू हो गई थी, लेकिन कम ही दिख रही थी, बहुत ज़्यादा भी देखिए कैसे कैसे आ रही हैं। उसके बाद मैं अपनी बेटी को भी बोल रही थी कि तुम भी डाल लो थोड़ा सा दाना, मतलब हस्बैंड और बेटा तो आए ही नहीं इधर तक, वो ऊपर ही बैठ गए। उन्होंने कहा तुम जाओ देखने के लिए क्या है रानी झील में। तो मैं सोची थी आगे पीछे दोनों साइड से भी डाल सकते हैं, बट लगता उस साइड नहीं आनी होंगी तो मैं इसी साइड से डाल रही थी, लोग इसी साइड को डाल रहे थे, क्योंकि जैसे ये लोग जो वहाँ पे टेक वो तो है ना केयर टेकर है, वो जैसे बता रहा था कि इधर की तरफ डालिए तो उधर ही डाल रहे थे हम। ये देखिए अब बेटी को भी मैंने बोला तो वो भी चली गई, उसको मैंने कहा तुम भी डालो, देखो वो भी डाल रही है, क्योंकि ख़त्म ही करना था, बचा कर कहाँ ले जाना था। 20 रुपये का ये मुरमुरे बहुत थे, मैंने कहा सारे डाल दो ख़त्म करो यहाँ पे। बस और कुछ नहीं है रानी झील में ऐसे देखने के लिए, बस बोटिंग करो या फिश को वो डालो। बाकी यदि कोई छोटा सा एक रेस्टोरेंट टाइप का बहुत छोटा सा बना रखा है ऊपर, और बाकी तो पानी बहुत गंदा था क्योंकि तो हवा भी चल रही थी ना, पत्ते भी झड़झड़ के गिर रहे थे। और ये देखिए किस तरीके से पत्ते गिर रहे हैं, देखिए हवा चलती है तो पत्ते सारे गिर जाते हैं पानी के ऊपर, तो पानी भी थोड़ा गंदा गंदा ही लग रहा था। तो वो बता रहा था कि ऐसे पत्ते गिरते रहते हैं कितनी सफाई करेंगे, ठीक है पहाड़ों में तो ये झील के नाम पे यही झील थी, रानी झील रानी खेत में। बस और कुछ था नहीं यहाँ देखने के लिए। इसके बाद हम यहाँ से निकल पड़े आगे की ओर थोड़ा सा, बस बेटी को देख रही थी तो मैंने कहा चलो उसको खड़ी है तो थोड़ी देर और इन्जॉय कर ले। बाकी ये देखिए वहाँ के जो कपड़े उपड़े पहन के लोग चढ़ते हैं, मतलब इसमें बोटिंग करते हैं, पैडल वाली बोटिंग है, अपने आप बोटिंग करो। और फिर हम यहाँ से निकल गए, कुमाऊँ रेजिमेंट सेंटर है रानी खेत में ही। मेरे को ये तो सबसे बढ़िया लगा, सबसे अच्छा मेरे को यही लगा। ये ना मतलब एक म्यूज़ियम टाइप का है, इसमें कुमाऊँ रेजिमेंट की जो भी मतलब उनकी उपलब्धियाँ जो होती हैं, उनके जो उन्होंने लड़ाई की लड़ाइयाँ की उनका सारा सारा उसमें दिखा रखा था अंदर। और मतलब 1900 ये जो बना है ना म्यूज़ियम, ये 1970 के में बनाया, कुमाऊँ क्षेत्र की विरासत और रीति रिवाजों को संरक्षित और प्रदर्शित करने के लिए बनाया गया था। इसमें क्या है कि कुमाऊँ रेजिमेंट के संबंधित कई युद्ध, जितने युद्ध किए कुमाऊँ लोगों ने मतलब कुमाऊनी रेजिमेंट ने, उसको दर्शाया गया है। और इवन उनके सैनिकों के पदक, वर्दी, लड़ाई के दौरान जो भी पकड़े गए मतलब उनके झंडे, जो विरोध विद्रोहियों के झंडे, ये सब दिखाया हुआ है इसमें। और काफ़ी सारी जानकारी भी है कि अलग अलग युद्ध का कब कब लड़े गए और उनको परम चक्र
की कहानियाँ भी हैं और जो कि दिखाई गई है, और मतलब कारगिल युद्ध से जुड़े दस्तावेज भी इसमें हैं। इसमें ना अंदर जो था ना, मतलब वीडियो बनाना वो नहीं था, लेकिन फिर भी हमने थोड़ी थोड़ी करके बना ली। काफ़ी बड़ा था। सबसे बढ़िया रानी खेत में, मतलब सबसे अच्छा मुझे यही लगा।